20 मार्च स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, मार्च 2020 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी? तो मंजूरी दी है 83 विमानों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड 19 से संबंधित मुद्दों और उससे निपटने के प्रयासों के बारे में राष्ट्र को कब संबोधित करेंगे? तो संबोधित कर देंगे 19 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में अनुसंधान पर एक बैठक की अध्यक्षता की, तो यह अध्यक्षता की नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसके व्यापक पुनर्वास के लिए एक योजना के पुनर्गठन और निर्माण का प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव दिया है भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया जो महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए गर्भपात की वर्तमान 20 सप्ताह की सीमा को बढ़ाकर कितने सप्ताह तक करना चाहता है? तो ये चाहता है 24 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में जारी की गई शहरी विकास को संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार ODF घोषित 4320 शहरों में से कितने शहरों को ODF प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो प्रमाणित किया गया है 1276 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वच्छ हाथों की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सेफ हैंड्स चुनौती की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किन देशों के पर्यावरण संगठन ने यूरोपीय संघ के आयुक्तों को एक संयुक्त पत्र संबोधित किया है जिसमें डेन्यूब ओडर एल्वे नहर के लिए योजनाओं को रोकने का आह्वान किया गया है? यह आह्वान किया गया है जर्मनी, पोलैंड यानी स्लोवाकिया यानी सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मार्च 2020 के चौथे सप्ताह में आवासीय G20 लीडर समिट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये प्रस्ताव रखा है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में नई दिल्ली में ओलंपिक टीम चयन ट्रायल योग्यता में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो शीर्ष स्थान हासिल किया सौरभ चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत के साथ संयोजन के रूप में UT के सभी निवासियों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दे दी है? तो मंजूरी दी है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में किस राज्य में स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार एक नया हैंड सैनिटाइजर विकसित किया है? ये विकसित किया है हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COVID-19 के प्रसार के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई को बढ़ाने के प्रयास में भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान में INS विश्वकर्मा में एक संगरोध शिविर स्थापित किया है, इसमें कितने कर्मी सम्मिलित समायोजित हो सकते हैं? तो इसमें समायोजित हो सकते हैं 200 कर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में किस देश ने अदनान अल जुर्फी को एक महीने के राजनीतिक संकट को हल करने के लिए नवीनतम आदेश में देश का नया अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है इराक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साथ L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने औद्योगिक और अवसंरचना साइबर सुरक्षा में संयुक्त अनुसंधान करने के लिए सहयोग किया है? तो ये सहयोग किया IIT कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में 7वां वर्ल्ड सिटी समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये समय आयोजित किया जाएगा सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी के निम्न में से कौन सा स्थगित कर दिया गया 20 सितंबर से 4 अक्टूबर 2020 तक आयोजित होगा? तो ये स्थगित किया फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय ऊर्जा विनिमय के साथ गठजोड़ करने वाला पहला सदस्य बन गया है? तो पहला सदस्य है मणिकरण पावर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान निम्न में से कौन पहली वाणिज्यिक उड़ान कार विकसित कर रहा है? तो ये विकसित कर रहा है PALV5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया है राजीव बजाज को।